कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि। कानों में भगवान राम हमारी अम्मा जानकी माता के पांव की नूपुर की धुनी सुनते हैं तो लक्ष्मण जी की तरफ देख करके भगवान राम कहते हैं मानहु मदन कुंद बीजे मानहु मदन कुंद बीजे। लक्ष्मण हमें लग रहा है जैसे काम हमारे ऊपर चढ़ाई करने आ रहा। लक्ष्मण जी बोले आपके ऊपर काम? अरे आप तो हैं राम, आपके ऊपर काम कैसे चढ़ाई करने आएगा? राम जी कहते बात ठीक है, हम हैं राम, हमारे ऊपर काम कैसे आएगा, लेकिन काम जब भक्ति के चरणों से चलकर आता है तो हमको भी आभास हो जाता है। कितनी अच्छी बात। काम कहां बैठा? मां जानकी जी के चरणों की नूपुर में। नूपुर कंकन किंकिन रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 229 229 की पहली चौपाई पढ़िएगा। मानो गोस्वामी जी इस चौपाई को ही चलवा रहे हो। कंकन किंकिन भी भगवान राम तक पहुंच गया भक्ति के चरणों के सहारे। इसका एक अर्थ और हमारे मन में आ रहा है पंडित जी, हम लोग भी कामी लोग हैं, लोभी लोग हैं, महावासना में भरे हुए लोग हैं, हम लोग भी भक्ति के सहारे राम जी के चरणों तक पहुंच सकते हैं। कितनी अच्छी बात, हम लोग भी पहुंच सकते, लेकिन किसके सहारे? भक्ति के सहारे। जानकी माता जी चलती हैं कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि। जानकी मां आई और लताओं की ओट में खड़ी हो गई है? लताओं की ओट में खड़ी भाई, भगवान इस तरफ हमारी मैया उस तरफ, और पहली बार हमारी मैया का निगाह हमारे सरकार से मिलती है, पहली बार अखियां लड़ती हैं सरकार से हमारी मैया का, और पहली बार नेत्र मिलते हैं। लेकिन एक अद्भुत लीला यहाँ भी होती है। राम कथाकार कहते हैं क्या होती है? बोले जब जानकी जी भगवान की तरफ देखती हैं तो भगवान जानकी जी की तरफ देखते हैं और दोनों जनों की अखियां लड़ गई। एक टक बहुत देर हो गई। लक्ष्मण जी भी मस्त हैं, क्यों? लक्ष्मण जी के तरफ से भी आई थी कौन? उर्मिला जी, वो भी आई थी, वो भी अष्ट सखियों में सम्मिलित होकर आई थी। तो लक्ष्मण जी भी, लेकिन एक यहां एक लीला हुई जो हमें बताने योग्य है, आप लोगों को सुनकर बड़ा आनंद आएगा। लीला ये हुई कि मां जानकी जी कुछ देर तो निहारती नहीं, फिर उन्होंने जो है आंख बंद कर ली। सखियों ने कहा आंख क्यों बंद की? जानकी माँ कहती हैं कुछ देर में ये ओझल हो जाएंगे, इनको हमने अपनी पुतरिया में हमेशा के लिए बसा लिया है। एक बात और, दूसरी बात, दूसरा कारण क्या है? नेत्र बंद करने का दूसरा कारण माता जानकी जी का यह है कि ये चित्त चोर हैं, ये सबके चित्त को चुराते हैं, ऐसे चोर को अब जाने नहीं देना है, इन चोर को अब अपने नैनों में बसाना है।
तो सखियां भी कह रही जल्दी आंखें बंद करो, इन इन चोर को अब जाने मत देना, इन चित चोर को अब अपने नैनों का नैनों में बसा लो। और जानकी मैया कुछ देर हमारे रघुनाथ जी को एक टक निहारती, रघुनाथ जी भी निहारते, और निहारते निहारते रघुनाथ जी को पसीना आ गया, टिम टिम बूंद भगवान के मुख आभा मंडल पर चमकने लगी। आहा, राम को देख करके जनक नंदिनी। राम देखो, विवाह महोत्सव तो गीतों का ही है, इसमें गीत बहुत हैं, हर बात पे गीत है। और पुष्प वाटिका में मिथिला में तो हर बात पे गीत, गारी शादियों में गारी ना गवे तो विवाह नहीं होता। अब आजकल तो भगवान ही बचावे, आजकल की माता जी हमको आते ही नहीं है। पहले के जमाने में शादियां होती थी तो गारी गाते थे, गारी। अब आजकल चल गए डीजो, क्या चल गया डीजो, बस दो तीन बेर ठुमका लगाए बोले हो गई शादी। आजकल का जमाना बड़ा उल्टा है। पहले के जमाने में हमारी माताएं विवाह होता था तो गारी गाती थी, बनारस गेंदिया ना मारो हमरे लाग।